Lions International Association, Central Association of Lions, Lions Club कटनी रॉयल है। जैसा नाम है वैसे लोग हैं, क्योंकि वास्तव में लायंस का जो लायन बात का जो कंसेप्ट है, जो सोच है, वो व्यक्ति के विकास की है और हर व्यक्ति के विकास की है जो समाज में रह रहा है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, लेकिन समाज की मुख्य धारा में जुड़े आगे बढ़े और उन वंचित लोगों को हम सेवा कर सकें, इस भाव के साथ लायंस पूरे विश्व में काम कर रहा है। और मैं इसके लिए आप सभी को, क्योंकि लायंस से जुड़े हुए हैं, शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर विराजमान आज के इस गरिमामय शपथ ग्रहण समारोह में जबलपुर से पधारे और समाज सेवा की भावना से लगातार काम करने वाले, क्योंकि इनके साथ में काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं और साथ में जुड़े होने के साथ साथ इनका काम भी मैंने देखा, समाज के प्रति जुड़ाव भी देखा है। और आज यही भाव है कि आज कटनी आकर के यहाँ पे शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में इतना बहुमूल्य समय दे रहे हैं, क्योंकि एक प्रोफेशनल के लिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, डॉक्टर के लिए, एडवोकेट के लिए समय ही उसकी पूंजी होती है। और जितना समय वो अपने प्रोफेशन में देते हैं, उतना समय अगर यहाँ पे भी दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके मन में सेवा का भाव है, उनका मैं स्वागत करता हूँ। अभी लायंस की जो निवृत्तमान अध्यक्ष हैं श्रीमती चौधरी जी, जिनके कार्यकाल में विकास कार्य हुए, हंसा जी उनके बारे में, पूरे कार्यक्रमों के बारे में, साल भर के कार्यक्रमों के बारे में बता रही थी, तो निश्चित रूप से अच्छे कार्यक्रम यहाँ पर हुए, सेवाभावी कार्यक्रम हुए। हमारी आदरणीय उषा वर्मा जी, उनकी मल्टीपल प्रेसिडेंट हैं और कटनी का नाम पूरे क्षेत्र में रोशन कर रही हैं लायंस के माध्यम से, उनका भी मैं स्वागत वंदन करता हूँ, जिन्होंने शपथ ली है सेवा की इस बार काम करने की। श्रीमती ऋचा चौधरी जी, वो भी एक समाज से भी हैं, राजेश भाई, यहाँ जितने लोग बैठे हुए वो समाज को दिशा देने वाले लोग हैं अपने आप में। जहाँ ये खड़े हो जाए तो वहाँ कई स्थायी प्रकल्प हो सकते हैं, जिसकी बात आप बार बार कर रहे थे, एक नहीं माने यहाँ पे तो 500 स्थायी प्रकल्प हो सकते हैं, क्योंकि जितने व्यक्ति यहाँ बैठे हैं सब कोई ना कोई स्थायी प्रकल्प चलाने के लिए सक्षम है। तो सभी स्वागत और वंदन के योग्य हमारे आशीष गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता भी हैं और यहाँ का पूरा मैनेजमेंट और सब देखते हैं सारा व्यवस्था। यहाँ पर एक एक व्यक्ति है जिसका मैं नाम ले सकता हूँ, लेकिन मैं उतना समय यहाँ से नहीं दे पा रहा हूँ, हमारी मातृशक्ति, क्योंकि जहां पर भी है, जिस संस्था में, ये नहीं कि लायंस बस में काम कर रहे, जहां जहां है वहां पर सेवा के और समाज सेवा के, राष्ट्र सेवा के आयाम स्थापित कर रही मातृशक्ति, उनको मैं नमन करता हूँ। यहाँ पर कोषाध्यक्ष हैं श्रीमती पटेल जी और यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी को मैं नमन करता हूँ, अपनी बात को बहुत संक्षिप्त में करता हूँ। यहाँ पर आकर के ऐसी अनुभूति होती है जैसे एक परिवार में आकर के हम एक दूसरे से बात करें। और भाई साहब जब शपथ दिला रहे थे मुझे शादी के मंडप का ध्यान आ गया, क्योंकि जिस तरह से पंडित जब फेरे दिलवाता है और उसके बाद सात वचन बोलता है कि आपको कैसे पालन करना है, क्योंकि वहाँ कोई शपथ नहीं लेता है, वहाँ पंडित जी समझाते हैं वहाँ पर कि भाई आपको क्या करना है, और उसमें दूल्हा दुल्हन रहते हैं वो अपनी सहमति प्रदान करते हैं, तो ऐसी सहमति यहाँ पर आप सबने प्रदान करी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस तरह से मंदिर मंडप की पवित्रता होती है, उस पवित्रता की भावना से आपने भी हाथ उठा करके इस बात को स्वीकार किया है कि आप समाज सेवा में आगे बढ़ करके जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे, तो निश्चित रूप से लायन बात की जो सोच है, जो कंसेप्ट है, वो जन जन तक पहुंचेगा, नीचे तक पहुंचेगा, और आप लोग के मन में जो भावना है लायन लायन से जुड़ करके सेवा करने की, वो फलीभूत होगी, वो निरंतर आगे बढ़ेगी। आप लोग इतने व्यस्त लोग हैं, सब अपने अपने क्षेत्रों में, कार्य क्षेत्रों में व्यस्तम लोग, लेकिन फिर भी आपके मन में इस बात का भाव है कि समाज सेवा करना है, राष्ट्र को आगे ले जाना है, क्योंकि आपके जो संकल्प होता है, जो प्रार्थना होती है, जब आप शुरुआत करते हैं तो ध्वज के लिए जो बात करते हैं, वो आपके मन में राष्ट्रभक्ति का भाव है कि देश को आगे ले जाना है, देश के प्रत्येक व्यक्ति को आगे ले जाना है। इस भाव के साथ जब आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से राष्ट्रभक्ति का भाव हमारे मन में जागृत होता है और हम राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए, क्योंकि सरकार भी ऐसी काम कर रही है। आज दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सोच है अंत्योदय का, उसमें पूरी सरकारें काम कर रही, मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। अभी एक अद्भुत योजना लेकर गए असंगठित कामगार, सिर्फ तीन कैटेगरी को छोड़ करके सब कोई असंगठित कामगार बना करके उसका लाभ देने की बात है। एक जो इनकम टैक्स भाई है, दूसरा वो जिसका पीएफ कटता कोई सरकारी नौकरी में है, और तीसरा जिसके पास 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन। तीन चीजें अगर किसी के पास नहीं है तो
वो कोई भी असंगठित कामगार हो सकता है, उसमें सामाजिक सुरक्षा की जो व्यवस्था करी है वो बहुत बड़ी व्यवस्था करी। कटनी नगर निगम क्षेत्र में मैंने 25,000 से ज्यादा लोगों के घर घर जाके पंजीयन करवाए, और उसमें लाभ क्या है योजना का, पहली से लेकर के पीएचडी तक की निःशुल्क शिक्षा। कोई अगर परिवार में कोई गर्भवती होती महिला, वो उसके प्रसव के दौरान 4,000 रुपए की राशि, उसके बाद 12,000 रुपए की राशि प्रसव के बाद, ताकि बच्चे का लालन पालन सही ढंग से हो सके। किसी प्रकार के परिवार में कोई मृत्यु होती है तो 2,00,000 रुपए का बीमा, और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 4,00,000 का बीमा, उसके बाद कोई काम धंधा करना चाहे तो उसका लाभ, ये सारी चीजें अगर कोई मिलती है तो उसी योजना के अंतर्गत मिलती है। और भारतवर्ष के तमाम राज्य मध्य प्रदेश की योजना से प्रोत्साहन लेकर के उसका काम करने जा रहे हैं। तो मेरा यहाँ बैठे लोगों से यही आग्रह है कि अगर आपकी दुकान में काम करने वाला कोई नौकर भी जो इनकम टैक्स पे ही ना हो, कोई ऐसा गरीब हो, आपके घर में काम करने वाली बाई कोई ऐसी हो, उसने फॉर्म नहीं भरा हो तो अवश्य इसका फॉर्म भरें। अभी कल मुख्यमंत्री जी के साथ में हमारा जब वीडियो कॉन्फ्रेंस में संवाद हुआ, उस समय उन्होंने पढ़ाया, और मैं समझता हूँ कि कटनी में एक दिन में 13 तारीख को हमने लगभग 2.5 करोड़ रुपए का लाभ के चेक यहाँ से वितरित किए। ऐसे परिवारों में जिनमें असमय मौत हो गई तो 2,00,000 रुपए की राशि दी गई। ऐसी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी आकर करते हैं तो आप समझ लीजिए ईश्वरी कार्य कर रहे हैं, लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और लाइन्स में जितने भी लोग बैठे हैं, अगर उनके माध्यम से कोई भी ऐसा गरीब व्यक्ति जिसका इलाज हो सकता हो तो इसका लाभ उसको मिल सकता है, तो आप भी उसके एक माध्यम बन सकते, वाहक बन सकते हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान ने पूरे देश ने करवट ली, स्वच्छता हमारी आदत बन चुकी है। हम सड़क पे चलते हैं तो कचरा नहीं फेंकते हैं, हम ट्रेन में चलते हैं तो ढूंढते हैं कि कहाँ डस्टबिन रखा है, शादी ब्याह में भोजन करते हैं तो जाकर के इस चीज का एहसास करते हैं कि कहाँ डस्टबिन है, वहां पर उस भोजन की थाली को डालें या किसी डस्टबिन में पेपर को डालें। तो एक मन में लोगों के मन में भावना आ रही है। और अभी जो कंसेप्ट हुआ स्वच्छ भारत अभियान का, स्वच्छ भारत मिशन का, उसके बाद में ये बताना चाहता हूँ कि जीरो वेस्ट का कंसेप्ट भी आ गया, उसके आगे बढ़ के हम निकल आए। क्योंकि जब स्वच्छ भारत अभियान का सर्वे होता था तो गली मोहल्ला साफ रहे, घर घर से कचरा निकले, डस्टबिन से कचरा डस्टबिन तक। तो अब जीरो वेस्ट का जो कंसेप्ट आया है कि जीरो वेस्ट माने तीन तरह से आर हमको करना है, रिड्यूस माने कचरा कम से कम हो, तो उसके लिए क्या प्रयास करें कि कचरा कम से कम हो सके। आज पॉलिथीन के लिए अगर आप उसका विकल्प चाहते हैं तो आप बाजार जाइए, अपना थैला लेके जाइए, कपड़े का पॉलिथीन बिल्कुल मत दीजिए, अपने आप रिड्यूस होगा। इस तरह की चीजों से आप रिड्यूस कर सकते हैं। रीयूज माने किसी वेस्ट को रीयूज करना। आज कटनी में भारतवर्ष का पहला इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री जी 23 तारीख को करने जा रहे हैं, और इसका लाइव होगा, और कटनी के लिए गौरव की बात है। ये कटनी भारत का पहला इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, जो कि अपने कार्यकाल में प्रारंभ हुआ, और 1 अक्टूबर 2015 से घर घर कचरे के संग्रहण का काम शुरू हो गया। हमारी 45 गाड़ियां पूरे शहर में दौड़ती हैं दोनों टाइम, और कचरा घर से इकट्ठा करके उससे खाद बनाने का, जो रीयूज का मतलब उससे वेस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू कंपोस्ट, या वेस्ट से हम आप एनर्जी के लिए कुछ चीजें बनाए, तो हर चीज का उपयोग हो सकता है। तो कचरे का जब उपयोग होने लगेगा तो अपने आप उसकी जो भूख बढ़ेगी, तो शहर से कचरा साफ होगा, मोहल्ले से कचरा साफ होगा, गली से कचरा साफ होगा। उसके बाद रिसाइकिल की बात, हम कैसे उसको रिसाइकिल करके फिर यूज कर सकते हैं। आज पॉलिथीन के जो बंडल्स आते हैं उसको सीमेंट के प्लांट में उसके लिए हीट उठाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सर कचरे को, गीले कचरे को, सूखे कचरे को सेग्रीगेशन करके हम अपने शहर को स्वच्छ रख सकते हैं। और आपको ये बताते हुए मुझे हर्ष होता है, मैं डॉक्टर मित्रों से बात करता हूँ, उनकी ओपीडी में अपने आप कमी आई इस बात की, क्योंकि स्वच्छ भारत के मिशन से आने से बहुत से डॉक्टरों को इस बात के लिए जो बीमारियां छोटी मोटी होती थी वो अपने आप में दूर हो रही हैं। तो स्वच्छता से हम स्वास्थ्य के लिए बढ़ते हैं, ये अपने आप में समाज में सुधार का सूचक, और आप इसके वाहक बन सकते हैं। आज कचरा घर से निकल करके, घर के डस्टबिन से कचरा निकल करके गाड़ी के डस्टबिन में जाए, और गाड़ी के डस्टबिन से वो प्रोसेस हो करके उसकी खाद बने, उससे बिजली बने, या कोई ऐसा उपयोग हो, तो अपने आप हमारा भारत स्वच्छ होगा। और महात्मा गांधी जी की हम 150वीं जयंती जब बनाएंगे 2019 में, तब भारत विश्व के स्वच्छतम देशों में शामिल होगा। और हम अब स्वच्छ भारत मिशन से एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, अभी इसकी कार्यशाला हुई हमारी। तो लायंस जैसी संस्थाएं, समाज सेवी संस्थाएं जागरण का काम कर सकती, जागरूकता का काम कर सकती, और इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं। हम अपने गली मोहल्ले को साफ रखने की योजना बना सकते हैं, शहर के पार्कों को अपने अधिग्रहण में ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पार्क। कटनी में एक जागृति पार्क, जागृति नाम की संस्था है लेकिन वो नगर निगम का पार्क, नगर निगम उसमें पूरा पैसा डेवलपमेंट का लगाता है। आज सर्किट हाउस के नीचे जो पार्क बना है, तो एक संस्था है जागृति, जिसने उस पार्क को लिया साझेदारी में, पीपीपी मोड में वो काम कर रहे हैं, वो लोग आके सहयोग करते हैं, और नगर निगम उसमें निर्माण कार्य करता है जो आवश्यकता होती है।
ऐसे पार्क हम तीन और बना रहे हैं कटनी में, जिसमें लायंस की भी कहीं ना कहीं भूमिका हो सकती है। लेकिन वास्तव में जो स्थायी प्रकल्प की बात करी है आदरणीय चाणक जी, उसके पीछे भावना यह है कि जो क्लब का एक एक सदस्य व्यस्त रहे, आज पूर्व अध्यक्ष हो जाते हैं, उसके बाद पूर्व होकर के कुछ साल बाद निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके स्थायी प्रकल्प चल रहे हैं तो स्थायी प्रकल्पों की जिम्मेदारी उन पूर्व अध्यक्षों को देकर के लगातार सबको सक्रिय रखा जा सकता है। और ऐसे स्थायी प्रकल्प द्विवेदी आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन कहीं कोई शिक्षा का केंद्र खोले, कहीं कोई पार्क का विकास करके उसको गोद ले ले हमेशा के लिए, किसी चौराहे को गोद लेकर के उसको स्थायी रूप से करें, या कहीं कोई ऐसा क्लिनिक खोले जहां पर सस्ते में जांच हो सके, या कोई होम्योपैथी का क्लिनिक खोले, या कोई आयुर्वेदिक का कोई ऐसा कंसेप्ट लेके चलें, किसी लाइब्रेरी का कंसेप्ट लेके चलें, तो कहीं ना कहीं स्थायी प्रकल्प होने से हमारे बीच में एक जुड़ाव पैदा होता है, एक दूसरे के साथ में काम करने की भावना पैदा होती है। और आपने जो बातें कही है, आप में सक्षमता है, आप में योग्यता है, आप लोग अगर ठान लें इस चीज को करना है तो कोई भी काम आपसे अधूरा नहीं रहेगा, सारे काम पूरे। आज जिन लोगों ने शपथ ली है वास्तव में उनके